ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आज हम सभी नित्य गीता पारायण के कार्यक्रम में पुनः उपस्थित हुए हैं और आज हम गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक से पाठ का प्रारंभ करेंगे और इस 14वें श्लोक पर ही चिंतन करेंगे। तो आइए, देर न करते हुए हम पारायण में प्रवेश करें। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनामृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः, ज्ञानेन तज्ज्ञानं ईशाम्नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तत्सा तत्परायणाः, गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिरुद्धूतकल्मषाः, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिने, सुनिचैव सुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः, इहैव तैर्यतः सर्गो ईशां शाम्ये स्थितः मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः, न प्रहिष्ये प्रियं प्राप्य न द्विजित्राप्य च प्रियम्, स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। मित्रों, हम लोग 20वें श्लोक तक पारायण किए और देखते हैं भगवान 14वें श्लोक में भगवान क्या अर्जुन को उपदेश करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं इस लोकों की, समस्त लोकों की रचना तो करता हूं, सृजन तो करता हूं, परंतु न कर्तृत्व अर्थात कर्तापन की, व्यक्ति के कर्तापन का न तो मैं निर्माण करता हूं और न कर्म का ही निर्माण करता हूं और न कर्म फल का ही विधान मैं करता हूं, न कर्म फल का विधान करता हूं, न कर्तापन का विधान करता हूं और न कर्म का ही विधान करता हूं। तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अच्छा, आइए देखें भगवान क्या इसमें मार्मिक बात कहते हैं। सृजति अर्थात सृष्टि, सृष्टि का कार्य भगवान ने किया, तो सृष्टि के लिए कुछ पदार्थ आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए एक मकान बनाते हैं तो उसमें भी इट्टी बालू सरिया सीमेंट आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सर्वशक्तिमान सत्ता भगवान हैं, वो सामान कहाँ से लाए? सामान पहले से था अथवा भगवान पहले से थे? ये बहुत समझने की बात है। तो यहाँ पर ये हमको आपको समझना है, यदि भगवान सर्वोच्च सत्ता है तो उनसे पहले तो पदार्थ हो ही नहीं सकता, और जब पदार्थ नहीं था जिससे सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया, वह पदार्थ नहीं था तो भगवान ने सृष्टि कैसे की? अब यह समझने की बात है। भगवान कहते हैं कि
कि मैं अपनी योग माया से सृष्टि का निर्माण करता हूं। योग माया भगवान की वह शक्ति है जिससे वह संपूर्ण लोकों की सृष्टि का कार्य करते हैं, और योग माया भगवान के आदेश का पालन करती है, वह उनके अधीन होती है। भगवान ने इच्छा किया, सृष्टि का निर्माण हो गया। पदार्थ कहीं बाहर से नहीं आए, स्वयं वह ईश्वर तत्व ही अनेक रूपों में सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया। ये आशय है भगवान के कहने का। और भगवान माया के बस में नहीं, माया के अधीन नहीं, इसलिए भगवान उस कर्म में, उनमें भी माया है, योग माया है, फिर भी वो उससे अलग हैं, अछूते हैं, सम हैं। ये भगवान के कहने का आशय है कि सृष्टि के निर्माण में कार्य तो मैंने भी किया, परंतु माया के अधीन न होने के कारण मैं बंधा नहीं हूं, परंतु यह जीव समुदाय जो है वह माया के अधीन होने के कारण बंध जाता। अब यह समझने की बात है कि भगवान के ही अंश यह जो जीवात्मा है, इसका बंधन कैसे हो जाता है। जैसे एक बालक अपने पिता से सारा साम्राज्य उसका होते हुए भी, सारी गृहस्थी व्यापार होते हुए भी पिता से कहे कि मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ, आपके इस कार्य व्यापार से अलग कुछ करना चाहता हूँ, तो पिता कहता है जाओ बेटा देख लो, तुम भी अपनी मर्जी का कर लो। अब कुछ दिन वो कार्य करता है परंतु संतुष्ट नहीं होता, पुनः वापस पिता के पास आता है। तो पिता की जो संपत्ति है, धरोहर है, वह तो पुत्र की है ही। उसी तरह से भगवान ने सृष्टि के आदि में जब जीवात्मा, प्रत्यज्ञात्मा जिसे कहते हैं, वह भगवान से विलग हुआ, तो वह अपनी मर्जी का करने का विचार बनाया। यद्यपि वह परमात्मा का ही अंश है, सारे गुण परमात्मा के उसमें मौजूद हैं, फिर भी उसमें अहम तत्व, कार्य करने के लिए, कार्य में प्रवृत्ति के लिए अहम तत्व आ ही जाता है और बगैर उसके हो नहीं सकता। तो उस अहम तत्व के कारण जीवात्मा माया से बंध गया, और माया से बंधने के कारण वह नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो गया। और भगवान ने कहा कि हमने जो सृष्टि का क्रम बनाया, जिस तरह से सारे लोग चल रहे हैं, सृष्टि के क्रम में जो प्रवाह चल रहा है, उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करने के लिए विवश है और कर रहा है। अब इस स्वभाव का अर्थ हमको आपको ये नहीं लेना चाहिए, इनका स्वभाव क्रोधी है, इनका स्वभाव लोभी है, इनका स्वभाव झगड़ालू है, इनका स्वभाव सज्जनता का है। इस जो स्वभाव वस्तु शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, इस सांसारिक स्वभाव से मतलब नहीं है। इस स्वभाव का अर्थ सृष्टि में जो प्रवाह रूप से चल रहा है और हम लोग उस अहम तत्व से प्रेरित होकर जीवात्मा जो कर्म कर रहा है, उसका आशय उस स्वभाव से है। और आगे के श्लोकों में भगवान ज्ञान पर विशेष जोर देते हैं
जो जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह बंधन में नहीं पड़ता। और ज्ञान को प्राप्त हो जाने पर आदित्यवत अर्थात सूर्य की तरह वह ज्ञान अपने आत्मा में ही स्थित वह ज्ञान परमात्मा को प्रकट कर देता है। तो हमको आपको कर्मयोग का आचरण करते हुए ज्ञान प्राप्ति करने का कोशिश करना चाहिए। मनुष्य मात्र का यह परम कर्तव्य और लक्ष्य है कि हम जन्म जन्मांतर से जो अपने स्वरूप को भूल गए हैं उसका सहज ज्ञान हमें हो जाए, और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यही एकमात्र साधन है। अगले सत्र में पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।